आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम प्यारे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों को मियाँ जी इमलियात चैनल में खुश आमदीद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल व करम से खैर वाफियत से होंगे और दुआगो हों कि अल्लाह पाक की ज़ात आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और दुनिया की तमाम मुश्किलों, मुसीबतों, परेशानियों, दुखों, तकलीफ़ों से महफूज फरमाए, आमीन। जी तो दोस्तों, आज आपकी खिदमत में मुकदमे और पंचायत में कामयाबी का अमल पेश करने जा रहा हूँ। अमल के तरीका का तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से मोहब्बत भरी इल्तमास है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल मियाँ जी अमलियात को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वीडियो के नीचे रेड कलर बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ जल्द से जल्द और बआसानी मिलती रहें। शुक्रिया दोस्तों, चलते हैं अमल के तरीका का तरफ। जी तो दोस्तों, मुकदमे में कामयाबी के लिए ये कुछ कलमात हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये आपने रोज़ाना मुकदमे से पहले आपने रोज़ाना रात को इशा के बाद अवलो आखिर 11 बार, 3 बार, 7 बार दुरूद पाक और दुरूद पाक के बाद 66 बार, 66 बार आपने ये कलमात पढ़ने हैं, रोज़ाना पढ़ने हैं। ये कलमात नागा नहीं करना और मुकदमे वाले दिन या पंचायत वाले दिन जब आपने अपने जो मदई होंगे उनके सामने जाकर आपने ये चंद बार ये कलमात दोबारा दोहरा लेने हैं। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह पाक के हुक्म से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से वो मुकदमा आपके हक में होगा। कलमात जो हैं मैं आपको पढ़ सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दाता मौज खिजर दा, नूर नबी दा, कुवत अली दी, हर मैदान फतह पावा, बरकत नाम अल्लाह दी। ये कलमात हैं, ये कुछ लंबे चौड़े नहीं हैं, ये बिल्कुल छोटे से कलमात हैं। ये आपने 66 बार पढ़ने हैं। इंशाअल्लाह 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 मेरे मालिक को हालिक ने चाहा तो मुकदमा आपके हक में हो जाएगा। बहुत से लोग देखे हैं जो मुकदमों में बहुत ज़ीलो ख्वार हो रहे हैं और आ जाके मुकदमा उनके ख़िलाफ़ हो जाता है। ये उन दोस्तों के लिए तोहफ़ा है, वो करें इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से मुकदमा उनके हक़ में हो जाएगा। और आप दोस्तों की बहुत मोहब्बत भरी दुआओं का शुक्रगुजार हूँ, जिनकी दुआओं से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। और अल्लाह करीम से दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम की ज़ात आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और तमाम मुश्किल मुसीबतों, परेशानियों, दुखों, तकलीफ़ों से निजात दिलाए। उम्मीद करता हूँ कि भाई आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं चलो बहुत ज़्यादा नई वीडियो के साथ, नए अमल के साथ, नए वजीफ़ा के साथ। तब तक के लिए आपका और मेरा अल्लाह निगहबान।